फरीदाबाद के अमृत अस्पताल में मीडियन फेशियल क्लेफिट सिंड्रोम के साथ पैदा हुए एक 4 साल के बच्चे का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ। ये एक ऐसा दुर्बल तरह की बीमारी है जो 18 घंटे तक मैराथन ऑपरेशन के दौरान छोटे बच्चे के फीचर्स को वापस लगाया गया और उसे एक नई जिंदगी दी गई। बच्चे के पिता गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल आईटी फर्म में काम करते हैं। बच्चा चेहरे से मिडलाइन गैप से पीड़ित था जो त्वचा और कठोर टिश्यू पर मौजूद था। इस गैप की वजह से बच्चे की दोनों आंखों के बीच दूरी बढ़ गई थी। इस बीमारी की वजह से बच्चा काफी परेशान था। फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के प्लास्टिक और विभाग के प्रमुख डॉक्टर मोहित शर्मा ने कहा कि हमारे पास प्लास्टिक और सर्जरी का सबसे व्यापक विभाग है जो सभी क्रैनियोफेशियल विसंगतियों को ठीक कर सकता है। घंटों तक चलने वाली जटिल सर्जरी के करने के लिए हमारे पास अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं। सर्जरी 10 डॉक्टरों की एक ने एक की और उन्होंने आगे कहा कि सर्जरी ने सर्जनों के लिए वर्चुअली और साथ ही शारीरिक रूप से 3D प्रिंटेड मॉडल पर नकली सर्जरी के माध्यम से पहले अभ्यास किया था, जिसके बाद फिजिकल सर्जरी की गई जो बेहद सफल रही। बहुत जिसे कहते हैं स्लीपलेस नाइट्स प्लानिंग सारी की चीजें करने के बाद किया। आप जब अभी सर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे रिकॉर्डिंग तो आपको बताएंगे, उसके बाद हम टीम को इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी कि किस टीम से क्या क्या किया था। एक लंबी 18 घंटे की सर्जरी थी जिसके बाद उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सर्जरी खत्म हो गई तो सारी चीज ठीक हो गई। उसके बाद भी जो था वो एक लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा और रिकवरी के फेजेस धीरे 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 रोज हम जो है वो मिलते थे और चीजें किस तरह से ग्रेजुअली इंप्रूव होती थी कि आज अतर उस स्थिति में जहाँ वो एक इंडिपेंडेंट और एक अच्छी लाइफ को लीड करती। जर्नी सफर करनी बहुत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये जन्म लिया तो ये ऐसा होगा या फिर मुझे बहुत चीजों का मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कभी नहीं सोच पाई। फिर मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे सब चीज करनी स्टार्ट की। फिर अनिल सर के पास गई, इन्होंने हमें हिम्मत दिया, इनसे हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। इसको जो प्रॉब्लम है वो सिंस बर्थ है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के हमने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सब जगह गए हैं। हमें सब जगह से यही मिला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है सर्जरी। देन उसके बाद हम डॉक्टर अनिल मुरारका जी से मिले। हाँ, मनोहर लोहिया में RML में सर ने बताया कि अनिल मुरारका है, वो कर सकते हैं। फिर हम इनसे मिले सर से, जब ये 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट रहा होगा। और बेसल एनकेफेलोसिल थी जिसको हमने करेक्ट किया है, एक प्रोसीजर जिसका नाम है फेशियल बायपार्टीशन और करेक्शन ऑफ बेसल हर्निएशन ऑफ बेसल एनकेफेलोसिल ऑफ द ब्रेन। कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा, पहली बार शायद फरीदाबाद में इस तरीके की सर्जरी हुई होगी। जहां तक मुझे मालूम है ऐसी सर्जरी फरीदाबाद में तो नहीं हुई है। खर्चे की बात कर जाए तो लगभग कितना खर्चा आया सर्जरी में? थोड़ा सा इसका खर्चा करीब करीब 11 लाख रुपए आया था। फादर की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस थी तो जिसमें मेजर पोर्शन उनको मिल गया था, क्योंकि बच्चे की स्टे हॉस्पिटल में बढ़ गई थी तो उनका थोड़ा बढ़ा था बिल, जिसमें अस्पताल ने भी उनको थोड़ा सा हेल्प करी।